देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। चुनावी माहौल में वोटरों को लुभाने के लिए हर प्रत्याशी हर तरह के प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा लालच है शराब, और शराब का इस्तेमाल हर चुनाव में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसी के चलते आज रुड़की की गंगनहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला नेहरू नगर स्थित एक मकान से 27 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही शराब के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिया गया आरोपी हरियाणा के जींद का रहने वाला बताया जा रहा है और नेहरू नगर में किराए का मकान लेकर रह रहा था। वहीं से अवैध रूप से शराब की तस्करी का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। देर रात्रि में गंगनहर पुलिस द्वारा एक घर में छापा मारकर 27 पेटियां शराब की बरामद की गई है, जिसमें एक धर्मवीर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो जींद हरियाणा का रहने वाला है, और उसके कब्जे से ये पेटियां मिली हैं। वो कंटिन्यू ये शराब की तस्करी का काम कर रहा था। उसमें अभी और जानकारी की जा रही कि वो कहाँ कहाँ शराब को सप्लाई करता, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। सर कितनी कीमत है, और सर चुनाव के मद्देनज़र सर ये किया गया? ये चुनाव के मद्देनज़र इसमें जितने पुराने हमारे शराब विक्रेता थे जो अवैध रूप से शराब बेचते थे उनको चिन्हित किया गया है, और पुलिस द्वारा अपना नेटवर्क के थ्रू ये सब जानकारियाँ मुखबिरों के थ्रू प्राप्त की जा रही हैं, और सभी जगह लगभग छापे डेली पड़ रहे हैं। उसी का एक पार्ट ये भी था जिसमें छापे पड़े हैं। करीब 3 लाख के लगभग की शराब है जो कल बरामद हुई।